लंबी रेस के लिए एमबीसी बियरिंग्स 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। टीम इंडिया कैरेबियन टेस्ट में पास हो गई है, डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गई है। अब बारी जो है वो वनडे सीरीज की है। इनफैक्ट टीम इंडिया का जो मिशन वर्ल्ड कप है वो इसी वनडे सीरीज से शुरू होता है। 3 मैच की वनडे सीरीज है। पहला मुकाबला बार्बाडोस में अभी से आधे घंटे के बाद शुरू होगा। 7 बजे पहली बॉल डाली जाएगी, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस मैच में कई रिकॉर्ड बन सकते हैं, कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपको बताएंगी अलका। चलिए ब्रेकिंग न्यूज आ भी गई है, पढ़ के बता देते हैं। आज से भारत वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है, शुरुआत होने वाली है। बार्बाडोस के किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा पहला वनडे मैच। कैरेबियाई जमीन पर लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीतने का मौका मिलने वाला है टीम इंडिया को। मोहम्मद सिराज टखने की चोट के कारण भारत वापस लौट गए हैं, जो एक बुरी खबर है टीम इंडिया के लिए। बार्बाडोस में 21 साल से टीम इंडिया ने जीता नहीं है कोई भी वनडे, और ये खबर बदल सकती है, जीत सकती है। जिस हिसाब से टीम इंडिया का जो मोमेंटम चल रहा है, जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं और जो उनका मोराल हाई है कुणाल, मुझे लगता है कि ये वाला रिकॉर्ड टूट सकता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, एक तरीके से नई शुरुआत है। आप कहें कि भाई सफेद से अब रंगीन कपड़ों में टीम इंडिया आ जाएगी, जो धूम धड़ाके जो फैंस देखना चाहते हैं, चौके छक्कों की ज्यादा दरकार रहती है फैंस को, तो वो चौके छक्के जो है वो ओडीआई फॉर्मेट में देखने को मिल सकते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबला है और बार्बाडोस में ये मुकाबला खेला जाएगा। वहां पर टीम इंडिया थोड़ी सी फंसती है, क्योंकि जैसा बताया 21 साल से नहीं जीते हैं। लास्ट ओडीआई वहां पर 2002 में जीता था, वैसे सिर्फ 3 ODI वहां पर खेले, तो ये मुकाबला बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। टीम इंडिया की एक तरीके से मिशन वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहां से आप देखें आपको 12-13 ODI मैचेस खेलने। रोहित शर्मा ने भी ये बात बोली कि भाई यहां से हम वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं और उन खिलाड़ियों को भी देखेंगे, उस हिसाब से अपने कॉम्बिनेशंस को बैठाने की कोशिश करेंगे कि जो हमें वर्ल्ड कप के लिए जो खिलाड़ी चाहिए उनको यहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहां से वर्ल्ड कप का काउंटडाउन टीम इंडिया के लिए शुरू होता है। 3 मैच की वनडे सीरीज है। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। बिल्कुल बताइए। जो हमने मैच की शुरुआत में कहा था कि अब बस शुरुआत होने वाली है, आगाज होने वाला है, हाँ। तो टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है और पहले कर लिया है गेंदबाजी करने का फैसला। वाह, तो अच्छी शुरुआत, अच्छी टॉस जो है। पहले ये बता दीजिए, याद है टेस्ट सीरीज में टॉस नहीं जीत रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैच जीत रहे थे, लेकिन ये टॉस जीत गए हैं। डर लग रहा है, टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुन ली है। अब कप्तान साहब के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा, जो उन्होंने गेंदबाजी चुन ली है। पहले जलवे दिखाएंगे कि किस तरीके से कम स्कोर बनाने का मौका मिलेगा यहां पे वेस्टइंडीज को। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले जो चुनी है गेंदबाजी, पिच के मिजाज शायद ऐसे ही हो, क्योंकि अब रोहित शर्मा कोई गलती करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। जैसा कि कुणाल ने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। मुझे नहीं लगता कि तैयारी में कोई कोर कसर रहने वाली है कुणाल। बिल्कुल, रोहित शर्मा की बात आपने की, रोहित शर्मा ने टॉस के वक्त बोला भी है, मैं बता भी देता हूं व्यूअर्स को उन्होंने क्या बोला। We are gonna field first, no particular reason उसके लिए, कोई भी particular reason उन्होंने starts, क्योंकि 2002 में आखिरी बार जीते थे, ज़्यादा matches यहाँ पर खेले नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि we gonna try few different things, जो मैं आपको बोल ही रहा था कि जो भी आपको experiments करने हैं, जो भी आपको try करके देखना है, आप कौन से गेंदबाज, कौन से खिलाड़ी किस position पे कैसा react करते हैं, किस situation में react करते हैं, ताकि आप identify कर सको, best possible 11 को दिमाग में बनाते चल सको कि वर्ल्ड कप की बेस्ट पॉसिबल 11 क्या होगी, 15 क्या होंगे। उसके लिए ये सीरीज, यहां से जो भी आप ओडीआई मैचेस खेलोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वही बात यहां पर उन्होंने बोली है। वी वांट टू हेड इनटू द वर्ल्ड कप विद अ क्लियर माइंडसेट। उन्होंने साफ साफ बोला कि हम कोई बीच में जो हमारा माइंडसेट जो है ना वो इधर उधर ना हो कि ये किस खिलाड़ी को ले सकते थे, उसको ट्राई कर सकते थे, तो यहाँ पर जो है हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए पहले गेंदबाजी लिए। एट टाइम्स वी आर गोइंग टू ट्राई आउट डिफरेंट प्लेयर्स, बट द रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी हैव गॉट अवर 4 सीमर्स एंड 2 स्पिनर्स, मतलब कि 4 सीमर्स और 2 स्पिनर्स के साथ, 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ रोहित शर्मा जा रहे हैं। और साफ सीधी बात उन्होंने बोली है बिना लाग लपेट के कि हम जो है कोई भी दुविधा में नहीं रहना चाहते, माइंडसेट हमारा क्लियर रहे, हमको जीतना भी है बायलैटरल सीरीज जो भी अब मैचेस होंगे, मगर हमें वर्ल्ड कप की तरफ देखना भी है, तो उस लिहाज से भी हम अपनी तैयारियों को जो है हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखेंगे। इसका मतलब कि अपने इनर इंस्टिंक्ट पे उन्होंने ज्यादा भरोसा किया है, right, है ना। कोई स्टैट्स, जैसा कि आपने बताया कि 2002 के बाद चुकी खेला नहीं है उन्होंने, तो कोई स्टैट्स भी वैसे नहीं थे कि पहले बल्लेबाजी करनी है या फिर पहले गेंदबाजी करनी है, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और फॉर श्योर अगर किया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। बिल्कुल, कुछ ना कुछ
बहुत जरूर होगा। और यहाँ पर एक चीज और बता दें व्यूअर्स को, क्योंकि भाई अब गेंदबाजी चुनी है, इस मैदान के आंकड़े भी व्यूअर्स जान ले कि क्या यहाँ पर हुआ है। केंसिंगटन ओवल के मैदान के ऊपर 45 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। पहले बैटिंग करते हुए 19 टीमों ने बाजी मारी है और बाद में बैटिंग करते हुए 25 मैच जो है वो टीमों ने अपने नाम किए हैं। तो बाद में बैटिंग करना इसलिए भी चुना होगा क्योंकि स्टैट्स के नजरिए से भी बाद में बैटिंग करने वाली टीमें ज्यादा जीती हैं। वैसे मतलब औसतन स्कोर जो है यहाँ पर 240 का है, और जो बड़ा, क्योंकि टीम इंडिया चेस करेगी टारगेट को, यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट जो चेज हुआ है वो 364 रनों का चेज हुआ है। 2019 में इंग्लैंड ने किया था, तो बड़े टारगेट्स यहाँ पर चेज होते हैं। 2022 में मुझे याद है एक न्यूजीलैंड ने भी 300 प्लस का कुछ टारगेट चेज किया था। तो टीम इंडिया की पहले गेंदबाजी आई है, जैसे ही प्लेइंग 11 आ जाएगा उसका भी अपडेट आपको देंगे, मगर अभी फिलहाल जो खबर मिल रही है कि टीम इंडिया ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। देखिए फैसला जो किया है उस पे कितने खड़े उतरते हैं और कितने कामयाब होते हैं अपने फैसले पे, क्योंकि यहाँ पे मकसद है गेम को जीतना, मकसद है कि जो मैच हो रहा है उसमें उनको जीत हासिल करनी है। और जिस तरीके की टीम इंडिया की दिखाई दे रही है, जैसा कि आपने बताया कि कैरेबियन टेस्ट मैच में जिस तरीके से डिस्टिंक्शन से जीते हैं वो, बिल्कुल है ना, कोई भी इसमें शक नहीं है कि तैयारी हमारी पूरी है। बिल्कुल तैयारी पूरी है। और अगर आप मतलब ये भी देखो कि अगर दोनों टीमों का आप कंपैरिजन हमने वहां पर किया था टेस्ट मैचेस में, ODI के अंदर वो गैप ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि अगर मैं रैंकिंग के लिहाज से भी बात करूं तो टीम इंडिया की ODI रैंकिंग तीसरी है और वेस्ट इंडीज की 10वीं है। वेस्ट इंडीज ने तो ODI वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया है। बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत बड़ा झटका वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए और एक क्रिकेट इन जनरल के लिए भी, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक अलग कलेवर, एक अलग रंग लेके आता है जब किसी भी बड़े टूर्नामेंट में उनकी टीम आती है। वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है टीम, तो अपने आप दिखाता है कि उनकी टीम में कितना दमखम है और वो टीम इंडिया से उनका जो गैप है वो कितना ज्यादा है। वो टेस्ट मैचेस में भी नजर आया, वो बारिश के कारण दूसरा टेस्ट मैच का नतीजा नहीं आ सका, नहीं तो वो भी टीम इंडिया के पक्ष में आना था। मगर विरोधी चाहे जो भी हो, जो चीजें यहां पर रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन, एज ए खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट को जो भी अचीव करना है वो अचीव कर पाए, जो खिलाड़ियों को यहाँ मौका मिलेगा वो अपना दिखा पाए कि भाई वो क्या टेबल पे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, क्या स्किल उनके पास है, और वो जो गैप्स हैं, जो छोटे मोटे गैप्स हैं जो आपको एक परफेक्ट 15, परफेक्ट 16, परफेक्ट 11 बनानी है वर्ल्ड कप के लिए, वो फिल हो पाए, वही कोशिश रहेगी। और वही बात रोहित शर्मा ने बोली, बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताइए, आपने कहा कि सफेद कपड़ों से रंगीन कपड़ों में आने का मौका मिला है और ये टाइम भी आ गया है, क्या हम धूम धड़ाके की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके लिए आंखें भी तरस गई हैं? देखिए धूम धड़ाके छक्के, मतलब बिल्कुल 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 धूम धड़ाके की उम्मीद कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैं प्लेइंग 11 बता देता हूं, प्लेइंग 11 का ग्राफिक्स भी अभी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, मगर मैं पहले बता ही देता हूं प्लेइंग 11 आ गया। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उनके साथ ओपनिंग जोड़ी वो बनी हुई है यहां पर, विराट कोहली नंबर 3 पर, ईशान किशन को मौका दिया गया एज ए विकेट कीपर। ये एक हैरानी वाली बात है, ये देखिए जी प्लेइंग 11 आ गया, एक बार प्लेइंग 11 पढ़ दें जी। हाँ, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक और मुकेश कुमार। और हमारे कप्तान साहब तो जो लीड कर रहे हैं वो हैं, ये है टीम इंडिया का प्लेइंग 11 जो जलवे बिखेरने वाला है, पहले गेंदबाजी में फिर बल्लेबाजी में। अब जो नाम दिखाई दे रहे हैं, ये जो नाम है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं इन सारे नाम से, और उन्होंने कहा कि हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। कुणाल, तो आपको क्या लगता है कि ये जो टीम है क्या वो जलवे बिखेर पाएगी, क्या वो धूम धड़ाका जिसके लिए हमारी सच में आंखें तरस गई थी और हम देखना चाहते थे, क्या वो देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल, आप देखिए अगर इस टीम को देखें, प्लेइंग 11 को देखें, तो आप ये एक चीज पे गौर करिए, दो चीजें हैरान करती हैं। एक तो संजू सैमसन को जो है, संजू सैमसन वर्सेस ईशान किशन का, यहां पर ईशान किशन ने बाजी मारी है, उन्होंने टेस्ट मैचेस में अच्छा किया था, मगर संजू सैमसन को चुना गया था यहां पर, उनको नहीं मगर ईशान किशन को मौका दिया गया। ईशान किशन नीचे खेलेंगे, उनसे ओपनिंग नहीं कराई जा सकती, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल करेंगे। ईशान किशन नीचे नहीं खेलते हैं, वो उस फिनिशर की भूमिका को नहीं निभाते हैं, वो ऊपर से नीचे आए हैं, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट या एक सही नाम जो होता है वो संजू सैमसन यहां पर होता, पहली चीज। दूसरा, यहां पर क्योंकि सिराज नहीं है, उनके टखने में चोट लग गई थी, थोड़ा सोर था, सूजन थी, इसलिए वो वापस चले गए। मुकेश कुमार ने डेब्यू किया है, उनको ODI डेब्यू करने का मौका मिला, उनका साथ यहां पर उमरान मलिक देंगे, तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर और चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर यहां पर हार्दिक पांड्या आपके पास होंगे। स्पिनर्स की बात की जाए तो यहां पर आपको रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को भरोसा जताया गया है, युजवेंद्र चहल टीम के अंदर नहीं है। तो ये है जी मोटा मोटा प्लेइंग 11 की कहानी। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, प्लेइंग 11 से आपको कितनी उम्मीदें दिखाई दे रही है? मतलब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप इतना ज्यादा आप एनालिसिस करते हुए, इतना ज्यादा आपने खेलते हुए देखा है इनको, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जो प्लेइंग 11 है इससे आप कितने कन्विंस हैं? देखिए, मैं इस प्लेइंग 11 से कन्विंस हूँ। आपके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था, ओनली वन पॉइंट टॉकिंग पॉइंट जो यहाँ पर हो सकता है वो ये है कि भाई ईशान किशन को जो है वो मौका मिला है, जबकि संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है। एक यही आप पॉइंट है। बाकी जो है आप जो आपके पास अवेलेबल खिलाड़ी थे उन अवेलेबल खिलाड़ियों में से आपने बेस्ट ही टीम यहाँ पर चुनी है। ईशान किशन पे भरोसा जताया, कप्तान साहब के थोड़े करीबी भी हैं तो वो भरोसा यहाँ पर जताया गया। बाकी 11 खिलाड़ी आपके जो होने चाहिए थे, जो भी आपका 15-16 का दल था उसमें से जो 11 होने चाहिए थे वही है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि वेस्ट इंडीज को हमने खेलते हुए देखा टेस्ट मैच, मतलब बहुत ही बेहद खराब प्रदर्शन जिसे कहते हैं वो किया उन्होंने। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के लिए क्या ये जीत उतनी आसान होगी है? यहाँ पे बराबर की टक्कर मिलने की उम्मीद है? देखिए, यहाँ पर टक्कर और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कप्तान बदला है वेस्ट इंडीज का, शे होप है, उम्मीद करते हैं कि वो टक्कर यहाँ पर देखने को जरूर मिले, खिलाड़ियों का जो दर्शक है उनका मनोरंजन हो उस तरीके से। वेस्ट इंडीज अगर चुनौती पेश करती है तो ही मजा आएगा, तो ही आप अपनी चीजें जो अचीव करना चाहते हो वो कर पाओगे, क्योंकि विरोधी अगर अच्छा हो तो भी आपका टेस्ट जो है उसमें आपका आकलन अच्छा हो पाता। बिल्कुल, विरोधी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो एक अपोजिशन होना भी जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है, नहीं तो मोनोपोली हो जाती है। बिल्कुल, अपोजिशन होना जरूरी है, तो अपोजिशन अगर अच्छा करेगा तो यहाँ पर अच्छा जो है एक एग्जाम जो है उसमें मजा आएगा। कि कड़ा एग्जाम देके जब आप कड़ा एग्जाम देके आते हो उसमें नंबर्स लाते हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है, सैटिस्फैक्शन होता है ना उसमें, अब उसमें सैटिस्फैक्शन होता है। तो ठीक है जी, ये हो गया सैटिस्फैक्शन, अब हम आ जाते हैं उन रिकॉर्ड्स के ऊपर। जी, पहला किसका नाम? कौन सा? सचिन और विराट। चलिए जी, आप विराट कोहली का आपने नाम ले दिया, तो विराट कोहली के बिना तो मतलब ब्रॉडकास्ट हो ही नहीं। पहले विराट कोहली के आंकड़े दिखा दे, फिर बता दे कि भाई वो क्या कमाल धमाल कर सकते हैं, वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, बड़ी कामयाबी यहाँ पर। सचिन और रोहित, बता दें आपको, रोहित और विराट कोहली, माफ कीजिएगा, दोनों जो है वो सचिन से एक आगे निकल सकते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने इन दोनों को किसी जमाने में कहा था कि ये मेरे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ये मुझसे आगे निकल सकते हैं। अब वो दिन जो है एक एक करके देखने को मिल रहे हैं हर मायने में। सबसे पहले विराट कोहली के आंकड़े दिखा दीजिए कि वनडे में उन्होंने क्या किया है, उसके बाद समझाएंगे कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का। चलिए, आंकड़े आ गए हैं, वनडे में विराट का प्रदर्शन कैसा रहा है, भारत वेस्टइंडीज के बीच वनडे में जो मैच आज होने वाला है क्या हो सकता है, इसमें हमने कयास जो लगाए हैं। वनडे में विराट का जो प्रदर्शन है वर्ल्ड रिकॉर्ड से 102 रन की दूरी पे है। वनडे खेले इन्होंने 274 रन है इनके 12898, औसत इनका है 57.32 का, स्ट्राइक रेट इनका है 93.62 का, और शतक इन्होंने लगाए हैं 46, यानी कि 46 शतक लगा चुके हैं विराट कोहली। और अब कुणाल ये बताएंगे कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो वो छू सकते हैं। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड है जिसको विराट कोहली तोड़ सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, आपने बता ही दिया, थोड़ा सा हिंट दे ही दिया कि 102 रन वो दूर है इस रिकॉर्ड से। तो ये बता देते हैं, 3 वनडे की सीरीज है, विराट के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का यहाँ पर मौका है। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने से 102 रन दूर है विराट कोहली। सचिन ने 321 वनडे पारियों में पूरे किए थे 13,000 रन, विराट कोहली के नाम 265 वनडे पारियों में 12,898 रन है, मतलब वो 102 रन अभी दूर है 13,000 के मार्क से। अगर वो शतक लगाते हैं तो वो इस मार्क को अचीव कर सकते हैं और सचिन तेंदुलकर से तेज कर सकते हैं। अब विराट वैसे जब 12,000 के आंकड़े पर भी पहुंचे थे ना ओडीआई में, तो वो भी सबसे तेज था, उससे पहले जो 11 था वो भी सबसे तेज था, जो 10 था वो भी सबसे तेज था, तो वो रिकॉर्ड जो है तोड़ते आए हैं जो सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। वैसे यहां पर व्यूअर्स को एक बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सचिन के बाद 3 और खिलाड़ियों ने जो है वो 13,000 रन बनाए थे जी। मगर वो तीनों खिलाड़ियों ने, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, वो तीनों खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर से जल्दी नहीं बनाए थे। अच्छा, उनसे ज्यादा मैचेस लिए थे। ये विराट कोहली की रफ्तार है जो उनसे जल्दी बनाते चले जा रहे हैं, और वो डिफरेंस जो है वो भी अच्छा खासा है। किंग है ना वो किंग कोहली है, और वनडे में तो वाकई किंग कोहली है, और वनडे की परफॉर्मेंसेज ने ही विराट कोहली को किंग बनाया। बिल्कुल सही कहा, और ये उनके आंकड़े उस बात की तस्दीक करते हैं। वैसे जो सचिन के बाद जो
तीन खिलाड़ी थे उनका नाम भी बताई दे जिन्होंने ये किया था। वो थे पॉन्टिंग जिन्होंने 341 पारियों में किया था, संगकारा ने 363 इनिंग्स ली थी वनडे की, जयसूर्या ने 416 ली थी और विराट कोहली के पास ये कमाल करने का मौका है। अब उन्होंने 265 पारियां मात्र खेली हैं, 266 तीन चांसेस हैं, वो तीनों चांसेस में जब भी शतक बनाएंगे 102 रन अगर वो जोड़ देते हैं तो यहां पर वो सचिन से आगे निकल जाएंगे, सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, एक बड़ी कामयाबी और सचिन तेंदुलकर भी इस कामयाबी से खुश होंगे। आपको क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि ये दिन आज ही हो सकता है, ये दिन बिल्कुल आज ही हो सकता है। आज ही विराट कोहली जो है फॉर्म में भी है, बिल्कुल फॉर्म में भी है, सब कुछ है, फिटनेस है, एक अच्छी मानसिकता है, एक अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं, एक रिलैक्स नजर आ रहे हैं, कोई प्रेशर उन पे नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है विराट कोहली ये कामयाबी इसी मैच में या फिर अगले मैच में हासिल कर लेंगे। चलिए अब हमने बात कर ली विराट कोहली की, अब हम बात करते हैं कप्तान रोहित शर्मा की, जिसमें आप ये कह रहे थे कि वो सचिन से आगे निकल सकते हैं, क्या है वो रिकॉर्ड उसके बारे में बताएंगे? पहले रोहित शर्मा के स्टार्ट दिखा लेते हैं, पहले रोहित शर्मा का ओडीआई करियर दिखाते हैं किस तरीके से उनका ओडीआई करियर रहा है, जबरदस्त ओडीआई करियर उनका भी। चलिए देख लेते हैं, 10,000 वनडे रन के करीब है रोहित शर्मा, जहां इन्होंने वनडे खेले हैं 243 रन है इनके, 9825 औसत है इनका, 48.63 का स्ट्राइक रेट है इनका, 90.02 का और शतक इनके नाम है 30 शतक पूरे ये बना चुके हैं, 10,000 वनडे रन के करीब है। तो अब जल्दी से कुणाल ये भी बता दीजिए कि कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें ये सचिन से आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल, विराट कोहली के पास तो रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है, यहाँ पर रोहित शर्मा के पास सचिन से आगे निकलने का मौका है। वो रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है वो पहले ही विराट कोहली के नाम है तो वो रिकॉर्ड नहीं बना सकते और उनसे ज्यादा पारियां वो खेल चुके हैं। हिंट आपको मिली गया कि 10,000 रन के वो करीब है, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं क्या रिकॉर्ड है। 3 वनडे की ये सीरीज है ओडीआई की और रोहित हासिल कर सकते हैं इसमें बड़ा मुकाम। अगर आप देखें 10,000 वनडे रन पूरे करने के लिए रोहित शर्मा को 175 रन चाहिए, 3 ओडीआई मैचेस इस सीरीज में उनके पास हैं। रोहित के पास सचिन तेंदुलकर से आगे निकलने का मौका है, जैसा हम आपको बता रहे हैं। सचिन ने 259 वनडे पारियों में 10,000 रन पूरे किए थे, रोहित के नाम अभी 236 वनडे पारियों में 9,825 रन है, वो 175 रन अगर और जोड़ देते हैं तो फिर वो जो है सचिन से आगे निकल जाएंगे 10,000 रन कंप्लीट करने के मामले में। वैसे 10,000 रन विराट कोहली ने 205 पारियों में ही कंप्लीट कर लिए थे, रोहित शर्मा अभी 236 पारियां उनके नाम है और अगर उनको 175 रन और चाहिए तो आपको 30-35 अगर वो इस मैच में भी करते हैं तो आप ये लगा लीजिए कि 37 लगभग 30 मैचेस पहले मोटा मोटा वो विराट वो कामयाबी हासिल कर चुके थे। तो विराट के नाम ये रिकॉर्ड है मगर रोहित यहाँ पर सचिन से आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो आंकड़े भी हमने आपको दिखा दिए। बस एक बात और है, मगर कप्तान साहब की भी फॉर्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, बहुत अच्छी फॉर्म। शतक बनाया, फिर 80 बनाए, फिर 50 बनाया, 3 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं टेस्ट मैचेस में और हर एक में 50 प्लस स्कोर किया है, 240 रन इन टोटल उन्होंने बनाए हैं, तो मुझे लगता है वो ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब नया लुक वनडे में उनके कितने काम आता है ये देखने वाली बात होगी, फॉर्म में तो वो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेशक वो फॉर्म में चल रहे हैं और वनडे में वो फॉर्म कितना काम आता है ये तो अब जब मैच शुरू होगा तो पता लग जाएगा। बिल्कुल, और 10,000 ही बनने वाले वो भारत के छठे खिलाड़ी, मुझे लगता है कि छटपटाहट जरूर होगी ना 10,000 रन पूरे करने की। जब आप किसी बड़े माइलस्टोन के पास पहुंचते हो ना तो खिलाड़ी चाहे जितने भी कहे कि भाई हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, हम रिजल्ट पे नहीं देते, मगर वो आंकड़े वो माइलस्टोन्स उनको अंदर पता होते हैं, उनको अचीव करने होते हैं क्योंकि वो सोच के आते हैं कि इस मैच में ये कर दूंगा, ये पूरा हो सकता है, ये पूरा हो सकता है, ये अचीवेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, दिल्ली दूर नहीं है, ये हो सकता है। डबल सेंचुरीज बनाई हुई है रोहित शर्मा ने, 175 रन कौन से दूर है, चलो एक नहीं दो मैचेस में, मगर इस सीरीज में वो ये काम जरूर कर सकते हैं, वो सचिन से आगे निकल सकते हैं। और मुझे याद है मैं आपको पहले भी जिक्र कर रहा था कि एक फंक्शन था वहां पर सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि आपके जो ये मैसिव रिकॉर्ड्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं ये कौन तोड़ सकता है, ये लगता है कभी भी कोई अचीव नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने बोला था ना इसी हॉल के अंदर दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं। और उस समय स्टार्टिंग थी विराट कोहली के करियर की, रोहित शर्मा के करियर की, उन्होंने भाप लिया था, उन्होंने बोला कि भाई रोहित और विराट दो ऐसे नाम है जो ये मेरे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं, उन मेरे से आगे निकल सकते हैं, इनके पास वो काबिलियत है। और वही दिन जो है आप एक एक करके आप देख रहे हैं जो आप हर मामले में वो सचिन से आगे निकल सकते हैं। कोई बुरी बात नहीं क्योंकि ऐसा होता ही है, ऐसा कमिंग जनरेशन जो होती है वो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो पिछली जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट होती है, उससे ज्यादा बेहतर होती है और यही तो नेचुरल ह्यूमैनिटी का प्रोसेस है। एक और बात है ना, मतलब उसको पता होता है कि इतने रन बन चुके हैं, मुझे इससे आगे निकलना है, तो उसके खेलने का
जो तरीका है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। जब हमें टारगेट पता होता है तो हमारे खेलने का तरीका अलग होता है, जब हमें टारगेट नहीं पता होता हमें लगता है हमें ब्लाइंड खेलना है, तो तरीका अलग होता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक बेंचमार्क पहले से सेट है, गोल्स पहले से सेट है, तो वो आसानी भी सचिन तेंदुलकर का गोल है, वो पहले से सेट है, एक बेंचमार्क पहले से सेट है, यहाँ पर पहुंचना है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो जरूर इन दोनों के पास ये फायदा जरूर था। सचिन तेंदुलकर ने जब ये अचीव किया, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उस समय कोई गोल सेट नहीं था। एक तो सामने, दूसरा टीम के हालात उस किस्म के नहीं थे, वो टीम जो है वो अकलौते सचिन तेंदुलकर पर निर्भर करती थी, उन पे प्रेशर बहुत था। इन दोनों खिलाड़ियों पे ये है कि भाई चलो रोहित ने नहीं बनाया तो विराट बना देंगे। 2019 वर्ल्ड कप उसका एग्जांपल है, जहां पर विराट उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं कर पाए थे, मगर रोहित शर्मा ने बेटन उठाया, 5-6 शतक लगा दिए थे वर्ल्ड कप के अंदर, तो इनके पास वो कुशन है, उतना प्रेशर नहीं है। सचिन पे प्रेशर भी बहुत था। ये एक फर्क था। बिल्कुल सही बात है। चलिए, हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स की बात की, तो एक और बात है जो मुझे आपसे पूछनी है। ठीक है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप दिलाया इंडिया को, बहुत प्राउड फील करते हैं हम उनके ऊपर। ठीक है, कपिल देव की बात कर रही हूँ, जिन्होंने पहला दिलाया। ठीक है, और मतलब उनसे तो शायद ही कोई ऐसा होगा बंदा जो पसंद ना करता हो उनको, लेकिन आज एक और रिकॉर्ड टूट सकता है जी। जडेजा उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं? जी, रविंद्र जडेजा जो कि एक अंडरवैल्यूड क्रिकेटर मैं उनको कहूंगा, कि जिस तरीके की वो परफॉर्मेंसेस देते हैं उनकी उतनी ख्याति उनको प्राप्त नहीं होती। शायद एक तेज गेंदबाज होते तो वो ज्यादा ख्याति प्राप्त होती, मगर उतनी नहीं होती है। मगर वो बहुत कुछ कमाल चुपके से कर जाते हैं। एक कपिल देव से आगे निकलने का उनके पास मौका है, ये अपने आप में बताता है कि कैसा करियर रविंद्र जडेजा का अभी तक रहा है। उनके पहले स्टैट्स दिखा दें, करियर स्टैट्स, उसके बाद उस रिकॉर्ड की बात करेंगे, उस पड़ाव की बात करेंगे जहां पर वो कपिल देव से आगे हो सकते। चलिए, कपिल देव से आगे निकलेंगे जडेजा, ये क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल बता दें आपको आंकड़े, वनडे इन्होंने खेले हैं 174, विकेट इन्होंने लिए हैं 191, इकॉनमी इनकी रही है 4.91 की, और बेस्ट है इनका 36 रन देके 5 विकेट का झटक लेना। 5 विकेट का झटक लेना जो इन्होंने झटका था, 36 रन देके इनका बेस्ट रहा है। तो ये आंकड़े हैं हमारे रविंद्र जडेजा के, जो ये कहते हैं कि आंकड़े अपने आप में बेहतरीन लग रहे हैं देखने में, लेकिन ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जहां वो कपिल देव से आगे निकल सकते हैं? कुणाल जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, कपिल देव से आगे निकलने का यहाँ पर रविंद्र जडेजा के पास मौका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझाते हैं कि किस तरीके से ये तीसरा बड़ा माइलस्टोन जो है वो इस मैच में, इस वनडे सीरीज में अचीव हो सकता है। रविंद्र जडेजा जो है, आप ये समझिए कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा विकेट जो है वो कर्टनी वॉल्श ने लिए। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में आते हैं कपिल देव। इंडिया और वेस्ट इंडीज के ओडीआई मैचेस की हम बात कर रहे हैं, कपिल देव ने इंडिया और वर्सेज वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई मैचेस में 41 विकेट लिए। अनिल कुंबले ने 26 वनडे मैचों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 41 विकेट झटके। और जडेजा के नाम 29 वनडे मैचेस में जो है वो अभी जो है 41 विकेट हैं। तो अगर वो 4 विकेट और ले लेते हैं तो वो एक नया रिकॉर्ड बना देंगे, और यहां पर जो है हमारे जो है वो कपिल देव से भी वो आगे निकल सकते हैं, जिनके नाम 43 विकेट थे। ठीक है, तो ये एक चीज है जो वो हासिल इस सीरीज में कर सकते हैं। तो कपिल देव से शायद उनके 44 विकेट है, 44 विकेट कर्टनी वॉल्श के, 41 विकेट यहाँ पर रविंद्र जडेजा के। अगर वो हासिल कर लेते हैं 3-4 विकेटें जो है प्रॉबेबली हासिल कर ही लेंगे। देखिए, टेस्ट मैचेस में रविंद्र जडेजा विकेटें हासिल कर लेते हैं वो बात और होती है, वनडे के अंदर वो ना एक कंटेन करने वाले बॉलर। ठीक है, वो विकेट झटकने वाले नहीं, कंटेन करना वनडे में जरूरी होता है कि दूसरी टीम को बहुत ज्यादा रन बनाने दो, वो मानसिकता वो हो जाती है कि भाई कंटेन करना है। विकेट लेने से, जितना विकेट लेना जरूरी होता है उतना ही कंटेन को रोकना भी जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर विकेटें उस किस्म से नहीं मिलती, उस धड़ाधड़ नहीं मिलती, पिचेस भी अलग होती हैं, थोड़ा वनडे की और T20 की पिचेस जो है बैटिंग ट्रैक्स बनाए जाते हैं, सपाट पिचेस बनाई जाती है। वैसे ये जो ट्रैक है यहाँ पर हमें जो सुनने को मिल रहा है, किंसिंगटन ओवल का जो ट्रैक है ये लाइवली ट्रैक है, और एक वनडे के लिए प्रॉपर है कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए कुछ रहेगा, तभी रोहित शर्मा ने वो फैसला भी किया, उसके बाद यहाँ बल्लेबाजों के लिए भी कुछ भी रहेगा, लेटर ऑन थोड़ा सा स्पिन को भी मदद मिलेगी। ओवरऑल आप ये देखें तो बैटिंग ट्रैक है, जो टीम अप्लाई करके खेलेगी वो यहाँ पर अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। धूम धड़ाके जिसकी आपने बात की थी वो बिल्कुल श्योरली यहाँ पर व्यूअर्स को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, इतना कुछ बता दिया कुणाल ने, धूम धड़ाका भी देखने को मिल सकता है, एक कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी भी देखने को मिल सकती है। हमारी टीम इंडिया कितनी तैयार है अपने प्लेइंग 11 के साथ ये तो हम जरूर देखेंगे, और फिलहाल बल्लेबाजी तो जब वो आएगी तो वो कर ही लेंगे, लेकिन गेंदबाजी में कितने जलवे बिखेर सकते हैं, और जडेजा कहीं ऐसा हो सकता है कि अभी आगे निकल जाए,
बिल्कुल है ना, भी सकता है, अगर वो तो आई गई हमारी, बिल्कुल 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 हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक नहीं करी डेब्यूटेंट की बात भी करना बहुत जरूरी है, मुकेश कुमार की बात यहाँ पर कर ले। मुकेश कुमार ने उनका डोमेस्टिक करियर में देख रहा था, तो डोमेस्टिक करियर में उनका ओडीआई डेब्यू है। कमाल की बात देखिए, कमाल की स्टोरी मुकेश कुमार के लिए भी, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया और उसके अंदर उन्होंने दो विकेट उन्होंने झटके। अब वो अपना ओडीआई डेब्यू भी कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद सिराज के एंकल में टखने में थोड़ी सूजन थी, परेशानी थी, वो प्रिकॉशनरी मेजर ले लिया गया ना, इसीलिए अब उन्हें वापस भेज दिया गया है। और यहाँ पर जो है मुकेश कुमार का डेब्यू होगा। उन्होंने लिस्ट मैचेस की बात करें जो आप तो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड ओवर्स के होते हैं, उसमें उन्होंने 24 लिस्ट मैचेस के अंदर 37 विकेट लिए हुए हैं। और जो उनका इकोनॉमी यहाँ पर नहीं दिख रहा मेरे को, मगर 24 मैचेस में 37 विकेट उनके नाम है लिस्ट ए के अंदर। फर्स्ट क्लास का कोई मतलब नहीं डेज क्रिकेट होता है, तो ये लिमिटेड ओवर्स की हमने आपको आंकड़े बता दिए। कमाल की स्टोरी इनकी है, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पिताजी कोलकाता में टैक्सी चलाते थे, वहां से इन्होंने अपना करियर शुरू किया और प्रॉमिसिंग नजर आते हैं। हाँ, और रोहित शर्मा ने इनका डेब्यू हुआ ही था अभी। बिल्कुल, रोहित शर्मा ने इनके बारे में बयान भी दिया। जहीर खान जो एक बहुत तगड़े फास्ट बॉलर रहे, ठीक है, उन्होंने भी बोला है कि भाई इनके अंदर प्रॉमिस नजर आता है। ठीक है, रोहित शर्मा ने भी बोला है कि भाई प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। तो अब उस वो प्रॉमिस कितना बड़ा है, क्योंकि देखियो आप जब आप ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करोगे, मुकेश कुमार उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में तो नहीं, मगर आपको बैकअप्स तो चाहिए। ठीक है, आपको मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, साथ में बात और ये बुमराह भी आ जाएंगे, तो इन सब के बैकअप्स भी तो चाहिए आपको। ठीक है, उमरान मलिक के लिए बड़ा मैच है, अभी तक उस तरीके की छाप नहीं छोड़ पाए, कुछ एक दो मैचेस के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया, आईपीएल का सीजन भी उतना अच्छा नहीं किया। ठीक है, अब क्या कर पाते हैं, उनके पास भी मौका है। ईशान किशन को मौका मिला है, पहले मिला है, मतलब मैं ये कहूंगा संजू सैमसन से। तो ये कुछ चीजें हैं जो रोहित ने बोला भी कि हम कुछ ट्राई करना चाहते हैं, यही वो ट्राई है जो रोहित शर्मा करना चाहते हैं। इस ट्राई में वो खिलाड़ी कितना पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, टीम को कितना उससे फायदा हो पाता है, ये मैच के दौरान ही पता लगेगा, जो बस मैच शुरू होने ही वाला। बिल्कुल सही बात है, तो जीत की हंगर कितनी दिखाई देती है टीम इंडिया में, ये गेंदबाजी से ही अभी साबित हो जाएगा, और बल्लेबाजी तो जब आएगी तो हम कर ही लेंगे। अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बस बारबाडोस में थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है, टीम इंडिया ने जीत लिया है टॉस और पहले गेंदबाजी चुन ली है, यानी कि गेंदबाजी में क्या कमाल करने वाले हैं यह बस आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है कनाल। बिल्कुल, पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है, दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो मैदान पर आ गए हैं और नेशनल एंथम बस होने ही वाला है। तो फिर हम भी व्यूअर से इजाजत लेते हैं और जब मिड इनिंग्स होंगी, जब ब्रेक होगा, पारी एक पारी खत्म होगी, तो दोबारा से सारे अपडेट्स के साथ हाजिर हो जाएंगे। टीम इंडिया की पहले गेंदबाजी आई, एवरेज स्कोर यहां पर 240 का है। टीम इंडिया आइडली चाहेगी भी यही कि 240 के अंदर अंदर 250 के अंदर अंदर यहां पर वेस्ट इंडीज को समेट दे। तो ये जो गेंदबाजी है, जो उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, आप कह सकते हो तेज गेंदबाज, सारे ही उस तरीके से अपने आप को उनको साबित करना है, कोई प्रूवन कस्टमर नहीं है। एक मोहम्मद सिराज थे जो बड़े ही प्रॉमिसिंग थे और लीड कर रहे थे अटैक को, वो यहां पर नहीं है। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जयदेव उनादकट पे डोमेस्टिक लेवल में बहुत अच्छा करते आए, अब उस परफॉर्मेंस को रिपीट करना है यहां पर इंटरनेशनल लेवल पे। मुकेश कुमार डेब्यू कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर के तौर पर है, हार्दिक पांड्या हमें पता ही क्या कर सकते हैं, मगर वो 10 ओवर अपने डालते हैं कि नहीं डालते पता लगेगा, उनकी फिटनेस कैसी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मिलेंगे और उन जवाब के साथ हम, मैं और अलका हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। लंबी रेस के लिए एनबीसी बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।